हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मेरा वेगा का हेयर कलर का रिव्यू। तो इसे मैंने रिसेंटली लिया था नायका से और इसके साथ 2 इयर्स का वारंटी मिला है। सेरेमिक प्लेट है इसका, जो प्लेट है जिस पे हम अपने बालों को कर्ल करते हैं वो सेरेमिक प्लेट है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है हमारे बालों के लिए, जो इसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। और इसका प्राइस मुझे कुछ 1500 से 1600 का पड़ा था, MRP तो इसमें 1700 लिखा हुआ है। मेरा वेगा का हेयर कर्लर, यहाँ पे आप अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। ये गर्म, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। तो मैंने इससे पहले भी कई बार यूज़ किया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये बहुत जल्द ही गर्म हो जाता है, मतलब आपके बालों को जो है 10 सेकंड में ही आपके बालों को कर्ल कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई किया है अपने पूरे बालों में। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे हो तो आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपको ले लेना है और अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है। और उसके बाद अपने बालों को सेक्शन बाय सेक्शन छोटे छोटे लेके इसके कर्ल में आपको ट्विस्ट करके इस तरीके से कर्ल करना है। तो आपको सिर्फ 10 से 12 सेकंड के लिए इसमें रखना है और आप इसको निकाल दें तो आपके बाल जो है कर्ल हो जाएंगे। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे कर्ल किया है, मैंने अपने पूरे बालों में कर्ल नहीं किया है। आप चाहो तो अपने बालों में, पूरे ही बालों में कर्ल कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर कर्ली चाहते हैं अपने बालों को तो 20 से 25 सेकंड के लिए रखें तो आपके बाल जो है पूरा का पूरा ही कर्ल दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने इसे कई सारे रिव्यू देखने के बाद इसको ख़रीदा है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और इसका ये स्टैंड है, आप इस तरीके से कहीं भी रख सकते हो। इसका ये स्टैंड है, कहीं भी आप रख सकते हो। ये टच नहीं होगा, कुछ भी गर्म नहीं होगा और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अपने बालों पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगा लो या फिर आप एलोवेरा जेल लगा लो, कोई भी आप इनमें से लगा के अपने बालों पे ये आयरन चला सकते हो और आपके बाल जो है 10 सेकंड में ही कर्ल हो जाते हैं। और जहाँ तक कर्ल का बात है, कर्ल टिकने का बात है, ये बहुत टाइम तक टिकता है। इससे पहले भी मैंने अपने बालों को कर्ल किया है और 7-8 घंटे तक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बालों में टिका रहता है कर्ल। पार्लर में जब हम अपने बालों को कर्ल करते हैं तो एक बार में 500, 600, 700 लग जाता है और वो टिकता सिर्फ 1 से 2 घंटे तक है। लेकिन इससे आप अपने घर पर ही बहुत ईजिली कर सकते हो और जब मन जहाँ मन तहाँ ले जा सकते हो। और ये बहुत ही ईजी है। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि ये बहुत लोग क्या करते हैं, छोटा वाला कर्लर एकदम पतला जो स्टिक होता है वो खरीद लेते हैं और उसे घंटों भर बैठ के अपने बालों को कर्ल करते रहते हैं। ये जो है मीडियम साइज का है, ये आपको पतला से पतला कर्ल करके देता है और मोटा से मोटा कर्ल कर सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो। मैंने ढंग से नहीं किया है अपने बालों में क्योंकि सिर्फ मुझे आप लोगों को दिखाना था। इसलिए उस दिन जब मुझे ये रिसीव हुआ था मैंने अपने पूरे बालों पे कर्ल किया था। तो आज मैंने बहुत कम किया है और ये जो टिकने वाला है ये 3-4-5-6-7-8 घंटे तक मेरे बालों में ऐसे ही रहने वाला है। और आपको मैं बता दूँ, हीट अपने बालों पर बहुत कम ही अप्लाई करें। कहीं भी ओकेजन हो, शादी हो, पार्टी हो, तभी आप इसको यूज़ करें। ऐवे ही घर पे यूज़ करते ना फिरे। और इसे लेना है तो टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कलर है, बजट में है। बहुत सारे कलर जो आते हैं 3-4-5 हज़ार में आते हैं, ये 2000 का अंदर का है और वेगा का है। आपको पता है वेगा बहुत ही अच्छा ब्रांड है और आपके बालों को किसी भी तरीके से ये डैमेज नहीं करता। ये मेरा तीसरा बार मैंने कर्ल किया है अपने बालों को और मुझे अपने बालों में किसी तरीके का कोई भी डैमेजनेस नहीं महसूस हुआ है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। मैंने अभी फ़िलहाल अपने बालों पे पूरे कर्ल नहीं किए हैं, बस आप लोगों को दिखाना था कि ये कर्ल किस तरीके से होता है, इसलिए मैंने अपने बालों पे कर्ल किया है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो nykaa.com से ख़रीद सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ट्राई करना तो बनता है।